हाय एवरीवन वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड स्टाइल विद मे रिचा दोस्तों बाल हल्के और पतले हो और ट्रेडिशनल मेकअप के साथ कोई हेयर स्टाइल करना हो तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या करूं बट आज मैं आप सबके साथ दो ऐसे क्विक एंड इजी हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूं जिनको आप चुटकियों में कर लोगे और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो तो सबसे पहले मिडिल पार्टीशन कर लेना है बालों का और उसके बाद से इस तरीके से थोड़े से पतले से फ्लिक्स निकाल लेने हैं जब भी, भी कुछ हेयर स्टाइल करिए थोड़े बहुत फ्लिक्स निकले हों तो अच्छे लगते हैं इसके बाद एक पतला सा सेक्शन लेना है बिल्कुल ईयर तक आपको जो आपने मांग निकाली है, वहाँ से ईयर तक का सेक्शन लीजिए और बाकी के बालों को पीछे जो है क्लिप से सिक्योर कर दीजिए इसके बाद से जो सेक्शन निकाला है उसको आप लेकर और जो इस तरीके से आपको ट्विस्ट करना है बैक साइड की तरफ तो आप देख सकते हो बाल कितने हल्के और पतले हैं फिर भी आप देखना इतने सुंदर जो है दोनों हेयर स्टाइल लगते हैं और इतने झटपट बन जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मतलब कब आपका हेयर स्टाइल रेडी हो गया तो ये मैंने ट्विस्ट कर लिया है थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो ये जो ट्विस्ट है ये थोड़ा सा फूला हुआ सा दिखाई देता है थोड़ा पफ़ी सा दिखाई देता है बस इसको ऐसे करके एक क्लिप लगा देंगे हम तो यहाँ पर ऐसे हमें दो सेक्शन निकाल कर इस तरह से बालों को ट्विस्ट करना है एक हो गया अब इसके पीछे साइड में ही एक और हम सेक्शन निकालेंगे इस तरीके से और बाकी के बालों को फिर से पीछे करके थोड़ा सिक्योर कर देंगे वरना प्रॉब्लम आती है हेयर है स्टाइल करने में तो बस इसके बाद फिर से इनको थोड़ा सा कॉम करेंगे और उसके बाद से वापस से ट्विस्ट करेंगे बैक साइड की तरफ और अच्छा सा टाइट सा ट्विस्ट करने के बाद जब आप इसको थोड़ा सा पुश करोगे ना तो ये देखिए फूल जाता है हल्का सा तो इस तरीके से करके हम इसको सिक्योर कर देंगे जो क्लिप लगाई थी उसी क्लिप को जो है निकाल कर वापस से ये दोनों एक साथ ही जो है आप ज्वाइन कर दीजिए इसके बाद दूसरे साइड में भी हम इसी तरीके से दोनों ही जो है जो ट्विस्ट करके हमने जो है सेक्शन तैयार किए हैं वैसे ही इधर भी दो सेक्शन तैयार कर लेंगे तो ये इतना आसान सा जो है हेयर स्टाइल है कि आप कभी भी कर सकते हो खासकर ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस के साथ बहुत अच्छा लगता है ये वाला जो हेयर स्टाइल है आज मैंने स्पेशली करवा चौथ के लिए क्रिएट किया है बट आप जो है किसी भी टाइम जब भी आप साड़ी लहंगा या कुछ भी सूट वगैरह पहन रहे हो तब आप इसको ट्राई कर सकते हो और बहुत ही क्विकली हो जाता है तो देखिए ये बहुत ही आसानी से मैंने जो है दोनों तरफ के जो है ये ट्विस्ट कर लिए हैं तो बस ये आ, हो गया सामने का जो हेयर स्टाइल था वो हो चुका है अभी आपने देखा कि जो मेरे बाल हैं बहुत ज़्यादा हल्के और पतले हैं इसके लिए हम इनको घना करने के लिए इस तरीके का एक एक्सटेंशन लेंगे हेयर एक्सटेंशन ये स्ट्रेट वाला है और इसके बाद बालों में इस तरीके से क्राउन एरिया पर से थोड़ा सा सेक्शन अलग कर लेंगे और इनको ऊपर एक मतलब जूड़े के तरीके का बना लें जिससे कि आपको ये एक्सटेंशन लगाने में दिक्कत ना हो तो इसको घुमा मैंने सिक्योर कर लिया है और इसके बाद अब हम ये हेयर एक्सटेंशन लेंगे और इसमें आपको पांच क्लिप्स मिल जाती हैं बैक साइड में आप देख सकते हो तो जो मिडल वाली क्लिप है इसको हम बिल्कुल बीचों बीच में लगाएंगे जो जो जूड़े के नीचे जो बाल खुले हुए हैं वहाँ पर तो बस इसको टिक टिकटैक क्लिप की तरह इसमें लगी होती हैं क्लिप्स और आप इसको फंसाइए बालों में और क्लिप को बंद कर दीजिए बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाता है बिल्कुल भी निकलता नहीं है ये चाहे आप डांस करो कुछ भी करो बिल्कुल भी नहीं निकलता और बिल्कुल ओरिजिनल बालों की तरह लगता है ये तो बस मैंने इनको क्लिप्स को जो है लगा लिया है बालों में और इसके बाद जो ऊपर हमने जोड़ा बनाया था खुद के बालों का उसको ओपन कर लेंगे और उसके बाद से कॉम करके इसको हेयर एक्सटेंशन के साथ मिक्स कर देंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये लगता है और बाल भी देखिए कितने घने हो गए हैं कितने अच्छे लग रहे हैं बिल्कुल भी हल्के और पतले नहीं दिखाई दे रहे हैं वॉल्यूम आ गया अच्छा सा बालों में तो ये हो गया बैक साइड से एंड फ्रंट से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है बट अभी थोड़ा प्लेन लग रहा है थोड़ा सा हम इसको डेकोरेट करेंगे तो इसके लिए मैंने ये इस तरीके की जो है जूड़ा पिंस ले ली हैं जिसमें छोटे छोटे से जो है डायमंड के फ्लावर्स बने हुए हैं तो जो सेकंड वाला सेक्शन हमने क्रिएट किया है उसमें हम इसको लगा देंगे तो इस तरीके से ये तीन तीन जो है जूड़ा पिंस मैं इसमें लगा रही हूँ तो ये बहुत सुंदर लगता है बहुत ही सिंपल सा बट एलिगेंट लगता है ये वाला हेयर स्टाइल और डेकोरेट भी हो गया अगर आप चाहें तो बिना डेकोरेट किए भी इसको मतलब कर कर सकते हैं बट डेकोरेट करने के बाद देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है तो ये हो गया हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल एंड अगर आपको कुछ इस तरीके का जो है ईयर uh, वगैरह पहनने हैं तो हेयर स्टाइल करने के बाद आप इसको पहनिए इस तरीके से नॉर्मली जैसे आप इिंग uh, डालते हो वैसे डाल लीजिए और जो इसकी जो है लटकन है इसको लगाने के लिए आप क्लिप का यूज़ कर सकते हैं जिससे ये अच्छे से सिक्योर हो जाएगी वैसे तो इसमें हुक्स आते हैं बट आप इसको क्लिप से सिक्योर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो इस तरीके से मैंने इसको पहनकर और बैक साइड में थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए इसके जो है ये लटकन को क्लिप की हेल्प से सिक्योर कर दिया है तो पहला हेयर स्टाइल ये हो गया प्रॉपर जो है हर डिटेल के साथ मैंने आपको दिखा दिया है तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है खासकर किसी पार्टी फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है फेस्टिवल के लिए बहुत अच्छा लग रहा है ये लुक तो आप लोग जरूर बताइएगा मुझे कि आपको कैसा लगा ये लुक एंड आज जो दोनों लुक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं उन दोनों में से आपको कौन सा लुक ज्यादा पसंद आया ओपन हेयर वाला या फिर जो अब मैं आपको जो बन हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ वो वाला आपको ज्यादा पसंद आया मुझे जरूर बताइएगा तो ये जो हेयर एक्सटेंशन है इसी के साथ हम अपना जूड़ा भी क्रिएट कर सकते हैं बहुत आसानी से अगर आपके बाल छोटे और पतले हैं फिर भी तो इतना करने के बाद ही हम क्या करेंगे कि इसी में अगर हमें जूड़ा बनाना है तो हम सारे बालों को इकट्ठा करेंगे बैक साइड में और इसकी में बनानी है एक पोनी टेल तो इस तरीके से बालों को थोड़ा सा लो जो है पोनी टेल बनाइए नीचे के साइड में और यहाँ पर मेरे पास अभी पतला रबर बैंड मुझे नहीं मिला तो मैंने यही जो है मोटा वाला ब्लैक रबर बैंड ले लिया है बट आपको अगर पतला मिले तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये बाद में थोड़ा सा विजिबल होता है जुड़े में तो बस नॉर्मली हमें इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए बालों का एक नॉर्मल सा जूड़ा बना लेना है यूं इस तरीके से करके और इसके बाद जो है आप इसको यू पिन की हेल्प से अच्छे से सिक्योर कर दीजिए सब तरफ से ताकि ये खुले नहीं क्योंकि बाल थोड़े से ये जो एक्सटेंशन वाले होते हैं थोड़े सिल्की से होते हैं तो अगर आप अच्छे से सिक्योर नहीं करोगे तो ये जूड़े में से खुल सकते हैं बाकी वैसे तो एक्सटेंशन नहीं निकलता है कितना भी जैसे मैंने बोला आप डांस वगैरह कर लो फिर भी तो इसको आप तीन से चार क्लिप की यू पिन की हेल्प से अच्छे से इसको सिक्योर कर लीजिए और उसके बाद इस तरीके का मैंने यहाँ पर रबर बैंड वाला गजरा लिया है आप कोई सा भी गजरा किसी भी तरीके का हो वो लेके इसके किनारे सजा सकते हैं और जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर मैंने यूज़ किए हैं जिनके लिंक मुझे मिल जाएंगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर फर्स्ट कमेंट में प्रोवाइड करवा दूँगी आप चेकआउट कर लीजिएगा तो ये हो गया आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये बैक साइड से भी और फ्रंट से भी बहुत अच्छा लग रहा है ओपन बालों में यही जो फ्रंट का हेयर स्टाइल है कुछ अलग टाइप से शो हो रहा था और जो हमने जूड़ा बना लिया है तो लुक एकदम डिफरेंट हो गया है तो बहुत ही ज्यादा मुझे तो अच्छे लग रहे हैं ये दोनों ही लुक अगर आप थोड़ा सा जो है ट्रेडिशनल चाहते हो जूड़ा बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो एंड ओपन हेयर रखना चाहते हो तो आप ओपन रख सकते हो फ्रंट का जो हेयर स्टाइल है वो बिल्कुल सेम रहेगा एंड ये करवा चौथ स्पेशल मेकअप लुक भी मैंने ऑलरेडी आप सबके साथ शेयर कर दिया है उसको भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड बने रहिएगा मेरे चैनल पर आगे भी और भी ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए तब तक टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग